और अगर उस सपने में जिसमें
एकाच नाटक अनुभव नाही का, बाकी सारी लाईन
माता पिता ने बचपन से ही जब छोटे से थे ना तब से भगवान से परिचय करा दिया, ना कि हम तेरे नहीं है, ये ईश्वर सबका है और इससे इसके ऊपर पूरा विश्वास रखना। हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को इतने अच्छे से नहीं समझा पाते ईश्वर क्या है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ईश्वर क्या है समझा देंगे ना तो आप कितने भी बूढ़े हो जाए, आपको कुछ भी हो जाए, वो बच्चे के मन में हमेशा रहेगा कि वो परमात्मा है। अगर मैंने अपने माता पिता के साथ गलत किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, अगर उसके अंदर इतनी प्रीति रही ना, इतनी प्यार रहा भगवान के लिए कि भगवान मुझसे दुष्ट नहीं होना चाहिए, तो वो आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा, इतना याद रख लीजिए। मैंने गीता के जो पेज है फर्स्ट पेज उसमें लिखा कि लोग सोचते हैं गीता अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देते, क्यों? क्योंकि गीता पढ़ने से बच्चे संन्यास ले लेते, ऐसा कुछ नहीं है। उस गीता में भी कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि गीता पढ़ने से लोग संन्यास ले लेते। कृष्णा जी ने स्वयं अर्जुन को समझाया कि बाल हे बाल तुम्हें कर्म करना है, कृष्णा ने भी ये नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ने का नहीं, कृष्णा ने कहा कि तुम्हें कर्म
क्योंकि वो कहते हैं हर जगह राम, माता में राम है, पिता में राम है, हर जगह राम। तो फिर अगर राम ही राम हर जगह है तो मैं राम के अलावा किसी को जान ही नहीं सकता, और अगर मैं राम के अलावा किसी को जान नहीं सकता तो फिर मैं और किसी को जानता भी कैसे। मैं सिर्फ राम को जानता हूँ, राम को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, अर्थात माता पिता को मानता हूँ, माता पिता गुरु इस धरती इस परमात्मा को मानता हूँ। बहुत ऊंची बात, चिंतन कीजिए एक छोटे से।